नमः शिवा। आइए सुनते हैं, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया अपनी चोरी के बारे में। आइए सुनते हैं यह रोचक कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आज मैं आपको अपनी एक चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सुन पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और वह बोली, आपकी चोरी, परंतु आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यह सुन बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरी चोरी। यह बात आज तक किसी को नहीं पता कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए, तब हम और काकभुसुंडी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन के लिए गए। जब शिव जी बने मदारी, भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभुसुंडी जी बने उनके जंबूरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल के नीचे पहुंचे। उस समय रामलला पालने में सो रहे थे। शिव जी के डबरू की आवाज सुन उनकी निद्रा टूटी और वह शिव जी की समस्त लीला को समझ गए। तब भगवान राम ने शिव जी से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुन रोना शुरू कर दिया, जिसे देख माता कौशल्या ने सिपाहियों से कहकर मदारी जंबूरे के रूप में आए शिव जी और काकभुसुंडी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था तो दोनों सरयू जी के घाट पर आ गए। तब काकभुसुंडी जी ने आगे की योजना पूछी तो भगवान शिव ने कहा, अब कल का कल देखेंगे। शिव जी ने बनाया ज्योतिषी का रूप। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुसुंडी जी बने उनके चेले। वे दोबारा दशरथ जी के महल के पास पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। तभी शिव जी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा और काकभुसुंडी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ कर काकभुसुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। ज्योतिषी बने शिव जी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बताया और उससे दक्षिणा में राजमहल में प्रवेश दिलाने की विनती की। जब हुआ रामलला का दर्शन, दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर ज्योतिषी की तारीफ करने लगी। इतनी तारीफ सुन माता के मन में भी अपने लाला राम का भविष्य पूछने की लालसा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिषी को महल में बुलाने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने उनके चरण स्पर्श कर आरती कर उन्हें भोजन आदि कराया और उसके बाद चारों राजकुमारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी ज्योतिषी रूपी शिव के चरण स्पर्श कराए। भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए। यह देख माता कौशल्या चिंतित हो उठी। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से समस्त स्थिति को संभाला, जिसके बाद ज्योतिषी रूपी शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहां से
विदा ली। माता पार्वती ने भी बताया एक रहस्य। यह समस्त कथा सुनते हुए माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देख भगवान शिव ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा, जिस पर माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप महल में प्रवेश कर पाते? अरे बाबा, क्या आपने उस दासी को अभी भी नहीं पहचाना? वास्तव में भगवान शिव की रामलला की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप बनाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।